हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके लिए लाया हूँ काइन मास्टर। तो काइन मास्टर को किस तरीके से यूज करना है, उसे किस तरीके से चलाना है और उसके सारे फीचर्स इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जायसवाल, ऐप टेक्निक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नए वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको अलाउ का ऑप्शन मांगेगा, तो अलाउ कर दीजिए। और यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है, उस पर टैप कर लेना है। और टैप करने के बाद इम्पटी प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आपको फर्स्ट टाइम मीडिया क्लिक कर लेना है मीडिया को। और मीडिया क्लिक करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। ये बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से आपको लेयर पे सिलेक्ट करना है। और लेयर पे सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाता है मीडिया, फिर से उसको मीडिया को सिलेक्ट कर लेना है। लेयर के अंदर के मीडिया को सिलेक्ट करना है आपको इस बार। और वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड एक चूज़ कर लीजिए। तो मैं एक यहाँ से बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ये मैंने एक बैकग्राउंड यहाँ से ले लिया हूँ। अब फिर से मुझे लेयर पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद फिर हमें जिस वीडियो पे एडिटिंग करनी है उस वीडियो को हमें ले लेना है। तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर वाले वीडियो को मुझे एडिट करना है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डर वाली वीडियो ले लेता हूँ यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं अभी उतना खास नहीं लग रहा है। तब हम यहाँ पर मोबाइल फ्रेम लगा देंगे, मोबाइल PNG फ्रेम। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इंस्टॉल कर लीजिए। और कीन मास्टर की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। तो हमने ये प्रोसेस भी कर लिया है। फिर से आपको लेयर पर सिलेक्ट कर लेना है और मीडिया पे सिलेक्ट कर लेना है। और मीडिया पे सिलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ पे आप PNG इमेज डाउनलोड करें वहाँ चले जाना है। तो मैंने UC डाउनलोड में PNG इमेज मेरी है, तो वहाँ चले जाता हूँ। और यहाँ पर ये PNG इमेज को मैं ले लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने सेट कर दिया हुआ। तो अब देखो कितने वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया हूँ, इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। और ये स्क्रीन रिकॉर्डर को भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये अब लग रहा है सही से मोबाइल। तो ये मैंने कर लिया हूँ। अब मुझे ये इमेज को आखिरी तक के, जहाँ तक की मेरी वीडियो है वहाँ तक की मुझे स्लाइड करना है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो आखिरी तक है। मैंने जो ऊपर वाले ब्लैक कलर का आप दिख रहा है ये पट्टा, इसे भी आप ऐसे इस तरीके से खींचे, स्लाइड करिए, खींचिए, स्लाइड करिए, खींचिए, जहाँ तक कि आपकी वीडियो है। फिर आप दोनों हाथ से भी पास में करके उसे इस तरीके से स्पीड से ले जा सकते हैं। चलो यहाँ से मैं बाकी कट कर देता हूँ, बहुत बड़ा है ये वीडियो इसलिए कट कर दिया हूँ। अब हम मुझे ये इमेज को भी उसी तरीके से स्लाइड करना है, लास्ट तक लेके जाना है। ये लेके चला गया हूँ। अब मेरी जो फ्रेम है, ये फ्रेम को मुझे इस तरीके से स्लाइड करके लास्ट तक लेके जाना है। लेके चला गया हूँ, तो इसे थोड़ा आगे भी ले लेता हूँ और ये इमेज भी आगे ले लेता हूँ टैप करके। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी, जो मैंने वीडियो लिया उसको भी टैप करके इस साइड, लेफ्ट साइड इसको स्लाइड कर लेता हूँ। ये कर लिया हूँ मैंने। अब ये मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो गूगल प्ले करके ऐप, ये इस तरीके का लोगो देख लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये मेरा वीडियो शुरू हो गया है। बता देता हूँ कि उसे किस तरीके से यूज करें। तो आपको गूगल पे पे जाना है, ये इस तरीके से लेना है। तो ये अभी तक की जो मैंने काम किया वो मैंने आपको दिखा दिया हूँ। ये यहाँ पे इस वजह से आ रहा है, ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा इस साइड और वापस खींचना है, इसे टैप करके और लेफ्ट साइड ढकेलना है। अब देख सकते हो वो नहीं आ रहा है हम। और फिर से आपको लेयर पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इफेक्ट डालना है, बेसिक इफेक्ट, तो यहाँ से डाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद मिल जाता है आपको ऑप्शन ओवरली, ओवरली पे क्लिक करके यहाँ से आप स्टिकर भी ले सकते हैं, ये स्टिकर है। फिर लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ, टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट भर सकते हैं, जैसा मैं सब्सक्राइब लिख देता हूँ यहाँ पर सब्सक्राइब, और ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है AA करके, मुझे यहाँ से हैंडराइटिंग बदलने का, यहाँ से फ्रंट चेंज कर सकता हूँ मैं। तो ये फ्रंट ले लेता हूँ मैं और डन पे क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपको कट दिख रहा है, ये कट, जैसे कि ये मुझे वीडियो यहाँ से कट करना है, तो ये कट वाला ऑप्शन वो समय पर आपको कट
काम देगा। तो ये फर्स्ट आगे से काटेगा, ये लास्ट से काटेगा, और ये इस तरीके से ये बीच से काट देगा। तो ये इस तरीके से काट देगा। ये मैंने टेक्स्ट लिया था, ये टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ नीचे साइड, और क्लिक करने के बाद आपको बता रहा था कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को ऐड करें। तो ये टेक्स्ट के आप कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ से कलर चेंज करके रेड ले लेता हूँ और डन पे क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से मैं फॉन्ट ले लेता हूँ वो वाले, ये डन पे क्लिक कर लेता हूँ सिलेक्ट करके। तो ये मैंने फॉन्ट भी ले लिया हूँ। अब मैं इसका बैकग्राउंड एक कलर चेंज कर लेता हूँ ये फ्रंट के। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक को ओपन कर लिया हूँ मैंने बैकग्राउंड कलर को, और ये कलर पे टैप करके 53 है तो इसको 100 कर लेता हूँ और डन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये 100 हो गया है ये इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर मिल जाता है फर्स्ट ऑप्शन इन एनिमेशन। तो इन एनिमेशन को क्लिक करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख लीजिए जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखे थे उसके एनिमेशन। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी एनिमेशन यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अब सेकंड है ओवरऑल एनिमेशन। तो ये आप यहाँ से ब्लिंक स्लो कर सकते हैं, फ्लिकर, इस तरीके से यहाँ से भी ओवरऑल एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे आ जाता है आउट एनिमेशन। तो इस तरीके से आउट एनिमेशन हो जाएगा, और ये यहाँ से आप नीचे साइड उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जल्दी चाहिए या लेट चाहिए आपको। तो ये एनिमेशन के बारे में मैंने आपको दिखा दिया हूँ, और ये नीचे आप उसके अल्फा को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी अल्फा क्या ओपेसिटी, और फिर उसके नीचे आपको रोटेट मिररिंग का ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से। और अब ऑप्शन है ये शेडो ग्लो आउटलाइन बैकग्राउंड, ये कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से भी आप कलर को चूज़ करके यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये मैंने आपको लेयर की पूरे इन्फॉर्मेशन दे दी है, मीडिया के बारे में बता दिया हूँ। अब बचा हुआ है वॉइस और ऑडियो। तो वॉइस, यहाँ से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं स्टार्ट बटन पर दबा के। आप अपने वीडियो में कहीं पर भी वॉइस डालना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट बटन पर दबा दीजिए और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए। अब लास्ट ऑप्शन आ जाता है ऑडियो का। ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से आप अपने फाइल मैनेजर की जो ऑडियो प्लेयर की जो जितने भी म्यूजिक है यहाँ सब शो कर लेंगे, और यहाँ पे आपको काइनमास्टर के भी म्यूजिक मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको सब बता दिया, और बीच वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं आप, ये तो यहाँ से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये ऊपर साइड आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड ऊपर, तो हमने जो भी एडिटिंग करी है उसे रिटर्न लाना चाहते हैं तो ये इस तरीके से रिटर्न ला सकते हैं, और नीचे साइड फिर से अपन वापस वहीं पे जा सकते हैं। और ये सब एडिटिंग होने के बाद ये आपको शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको वीडियो अब सेव करना है तो यहाँ पे मिल जाता है 700 पिक्सल में, 1080 पिक्सल में, या 1440 पिक्सल में करना है तो ये आप ऊपर नीचे करके उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी क्वालिटी भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं बिटरेट। और ये सब करने के बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए और कंटिन्यू विथ वाटरमार्क पे क्लिक कर दीजिए, ये हमारा वीडियो सेव होना चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से काइनमास्टर को चलाना है, किस तरीके से उसे यूज करना है। तो सारे के सारे वीडियो के द्वारा मैंने आपको समझा दिया हो कि किस तरीके से काइनमास्टर को यूज करना है। मेरी वीडियो आपको जरा से भी समझ में आई हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। और कुछ फीचर्स मेरे से रह गए उसके लिए बहुत बहुत सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैंने अंडरलाइन करके उसको आपको सजेशन दिया हूँ कि उसे किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं।